आगे हम जमामू माता और ये आप देख रहे हैं इस वक्त कि हम पूजा कर लिए और पूजा करके आप लोगों को हम ब्लॉग दिखाने वाले हैं। यहाँ का मंदिर सबसे बड़ा मंदिर जो मेन है जमामू माता का मंदिर ये है जो आपको दिख रहा है। हेलो दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ चंदन और स्वागत करता हूँ एक नए ब्लॉग में। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल चंदन सुपर में। दोस्तों आज हम निकल रहे हैं जमामू माता। जैसे आप लोगों को पता है कि कुछ साल पहले अक्षरा सिंह और गोलू राजा आए थे और वहीं पे निकल रहे हैं उस मंदिर पे और दिखाने के लिए आप लोग दिखा रहे हैं। जो अभी यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर सबसे बड़ा अगर देखा जाए जंगल घनाव तो बहुत तेज़ घनाव जंगल है। और इस वक्त अभी हम जमामू जा रहे हैं जो तीसरी प्रखंड गिरिडीह झारखंड में प्रसिद्ध है। और अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से, अभी देख रहे हैं कि अभी हम अपना घर से झारखंड धाम से राय धरोहर प्रखंड से निकले हैं और वहाँ से अभी आप लोग हम दिखाने के लिए जा रहे हैं जमामू मंदिर जो अभी नामी मंदिर है। और इस वक्त अभी हम पहाड़ के एक ऊंचाई जगह में खड़ा हूँ और यहाँ से भी ब्लॉग बना रहा हूँ ताकि उधर नज़ारा दिखा दें। थोड़ा काफ़ी नज़ारा खूबसूरत है तो अभी हम निकलेंगे और वहाँ का मंदिर का कुछ ब्लॉग दिखाने वाले हैं। तब तक बने रहे आखिरी तक और चैनल पर पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे हमारे यूट्यूब चैनल। चलिए दोस्तों अभी गाड़ियाँ स्टार्ट कर रहे हैं और यहाँ से निकल रहे हैं हम लोग और काफ़ी भाई लोग मिला है अपना ग्राम उधर ही है प्रखंड का अपना राय धनौर प्रखंड का अपना सब कैमरा लेके आए हैं और घूम रहे हैं रील्स बना रहे हैं। चलिए बनाते रहिए आप लोग, ठीक है भाई साहब, फिर मिलते हैं आप लोग से। उधर का सीन जो आपको दिख रहा है उधर का पहाड़ का दिख रहा है ये जो है लखनऊ का। हम आप लोग को बताया ना कि झारखंड जो है ना बिहार से बना हुआ है झारखंड। दोस्तों यहाँ पर ये पहाड़ से पानी निकलता है बारिश का मौसम हो या गर्मी का मौसम। दोस्तों अभी आप देख रहे हैं ये जंगल देख रहे हैं यहाँ पर कितना घना नज़ारा। फाइनली दोस्तों अभी यहाँ से जमामू मंदिर करीब 1 किलोमीटर लगभग है और 1 किलोमीटर के बाद हम यहाँ से निकल रहे हैं आप लोग को दिखाने के लिए, क्योंकि आजू बाजू बहुत सारा घनाव जंगल है जिसके कारण से अभी हम यहाँ रुके हैं और जस्ट अभी निकल रहे हैं। तो फाइनली दोस्तों अभी आ गए हैं जमामू मंदिर और अभी आप लोग को हम दिखाने चल रहे हैं जमामू मंदिर। तब तक बने रहे आखिरी तक। तो अभी पूजा हो रहा है और पूजा के कारण अभी हम भी पूजा करके निकल रहे हैं, निकल गए और चलिए वीडियो आखिरी तक बने रहे ताकि अभी पूजा हो रहा है और पूरा वीडियो आप लोग को दिखाने के लिए हम वेट करना पड़ेगा क्योंकि टाइम लगेगा, काफ़ी लंबा वीडियो रहेगा जिसके कारण से आज का ब्लॉग काफ़ी तेज़ रहेगा। दोस्तों जब ज़्यादा पब्लिक आते हैं सावन और भादों के महीने में तो यहाँ से गेट खुलते हैं और काफ़ी लंबा गेट है, करीब मतलब पकड़ लो यहाँ से 100 मीटर लगभग दूरी रहता है ये गेट है, क्योंकि हम यहाँ से इन कर दे रहे हैं, देख रहे हैं ये गेट है इनका। ₹25 लिया सब मिला के। हरि ओम कर कंपन देवी एकदम जगह आपस में आप रहते हैं हर तोम नमः शिवोमि हरि ओम जय हरि ओम देव सुगंध रहा हरि ओम गंध प्रजा हरि ओम शिव हरि ओम शिव हरि ओम तेरे हरि हे ओम काला Gracias.
छोड़िए तो जल्दी आगे हम जमामू माता और ये आप देख रहे हैं इस वक्त कि हम पूजा कर लिए और पूजा करके आप लोगों को हम ब्लॉग दिखाने वाले हैं। यहाँ का मंदिर सबसे बड़ा मंदिर जो मेन है जमामू माता का मंदिर ये है जो आपको दिख रहा है। नेक्स्ट मंदिर है जो आपको पीछे है चारों जो मंदिर का जो सबसे माता लुबार बाबा जो मेन मंदिर के पीछे दस है। और अभी इस वक्त आया कि मुझे लगा कि चलो मेरा मामा का घर है यहाँ पर, मैं पूजा भी कर लूँ, यहाँ का ब्लॉग भी दिखा लूँ। दोस्तों आप सब लोग को पता है कि जमामू माता मंदिर सबसे नामी मंदिर है और एक जंगल के बीच जंगल में एक माता जी है जो यहाँ पर बहुत दूर दूर के लोग आते हैं और ये तीसरी प्रखंड गिरिडीह में पाया जाता है। मुझे लगा कि चलो ब्लॉग दिखाते हैं यहाँ का और नेक्स्ट लास्ट टाइम भी वीडियो इसमें देखेंगे तो सबसे सच अगर दिखता है तो मेरा ही वीडियो दिखता है जमामू माता के नाम पर, क्योंकि अगर जमामू माता के मंदिर का नाम अगर यूट्यूब पर सर्च करोगे तो मेरा ही वीडियो आएगा और मेरा ही चैनल आएगा। तो आइए दिखाते हैं आगे। ये मामी जी है, देख रहे हैं यहाँ पर मामी जी आई है, अरे यहाँ पर मामी जी है। और अभी हम जा रहे हैं जहाँ सबसे मेन भगत थे जो इस वक्त इस दुनिया में नहीं है और उनका जो स्थापित किया गया है वो वहाँ पर है। वहाँ पर आप लोग को हम दिखाएंगे कि जहाँ पर मामा थे जो पहले का भगत थे वो इस वक्त इस दुनिया में नहीं है। तो मुझे लगा कि चलो यहाँ का ब्लॉग दिखाऊंगा, उस समय मैं भी आया था 2018 में से हुआ था ना 2018 में हुआ था। चलिए वहाँ का ब्लॉग दिखाते हैं, उसके बाद आप लोग सारे मंदिर का दिखाने वाला हूँ क्योंकि लास्ट टाइम बहुत बड़ा यहाँ पर जग हुआ था और यहाँ पर जब जग हुआ था उस समय आया था बहुत स्टार आया था, अक्षरा सिंह आए थे, गोलू राजा आए थे, उस समय हम नहीं आ पाए थे। चलिए मंदिर दिखाने वाले हैं पूरा, आखिर तक बने रहे आप लोग। सभी लोग प्रसादी लेते हैं, यहाँ से सब लोग प्रसादी लेते हैं और यहाँ से सब लोग प्रसाद लेके मंदिर मेन मंदिर की ओर जाते हैं। ये मेन मंदिर है जो आपको सामने दिख रहा है और जितने भी आपको बच्चे दिख रहे हैं यहाँ पर सब स्टूडेंट है क्योंकि अभी 10-12 का एग्जाम चलने वाले हैं, आने वाले हैं, तो इसमें सब लोग यहाँ पर पूजा करने के लिए आए हैं अपना आशीर्वाद लेने के लिए माँ जमामू माता मंदिर पर। साइकिल है जो मोटरसाइकिल न्यू खरीदा है और यहाँ पर पूजा करेंगे। दोस्तों ये है मेन मंदिर, तो दोस्तों ये देख रहे हैं यहाँ पर जमामू माता मंदिर स्वर्ग रामलाल राय भगत जी का संधित स्थान पूर्व तिथि 24/2/2018 में हुआ था, यहाँ पर दफनाया गया। ये जो है भगत जी पुराने वाले थे जो पहले थे, अभी इसी जो मामा थे हमारे और इनका जो बेटा है बड़े बड़े अभी भगत जी है। आइए चलिए आप लोगों को दिखाते हैं 2018 में इस दुनिया छोड़ के चले गए थे। आइए वीडियो बने रहे आखिरी तक बजरंगबली के पास और यहाँ पर हम सबसे पहले नारियल फोड़ेंगे कि हर बजरंगबली जहाँ पे हम पूजा करने के लिए आते हैं वहाँ पर हम नारियल का फोड़ते हैं। आइए तो फाइनली दोस्तों अभी एक वक्त हम पूजा करके समाप्त हो गए और यहाँ का मंदिर का आप लोग ब्लॉग दिखाएं। आप सब लोग ब्लॉग देखकर कैसा लगा हो तो ज़रूर कमेंट करना क्योंकि जमामू माता मंदिर हम साल में एक बार आते हैं और यहाँ पर वीडियो बना के जाते हैं। और जानते हैं दोस्तों ये मंदिर अगर देखा जाए तो चारों तरफ जंगल है और जंगल के बीच माँ जमामू माता मंदिर है। इस मंदिर में काफ़ी लोग आते हैं, दूर दूर के लोग आते हैं भादों का महीना में, जिसमें लगभग 50,000 लोग भी यहाँ पर पहुँचते हैं दर्शन करने के लिए। अनियन भी है पक्का भैया।
देखिए मामा जी ने अभी पूजा कर रहे हैं यहाँ पे जामामा माता मंदिर में। और यहाँ पर न्यू गाड़ी खरीदा है और यहाँ पर पूजा कर रहे हैं। दूर दूर से कहाँ से आए हैं? गगनपुर। कौन से? बिहार आए हो। दोस्तों कैसा लगा सब लोग को इस वीडियो के माध्यम से तो आप जरूर कमेंट करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, जय जामामा माता।